हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेलवेज की तरफ से कैसे रणजी ट्रॉफी में खेल सकते हो। गाइस देखिए, रेलवे दो तरीके से प्लेयर्स को सेलेक्ट करता है। एक तरीका तो है जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसमें आप किसी एकेडमी में जाते हो, आप लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हो, आपका नाम होता है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की टीम से खेलते हो। तो रेलवे आपको खुद जॉब ऑफर करता है और अपनी टीम से खिलाने के लिए आपको ऑफर करता है। ऐसा कई प्लेयर्स के साथ हुआ है। तो एक तरीका तो ये है जिसमें कि आपके नाम के बलबूते, आपके परफॉर्मेंस के बलबूते आपको रेलवे में जॉब मिलती है और स्पोर्ट्स कोटे में आप खेलते हो। उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है और भी कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में स्पोर्ट्स कोटे में जॉब्स निकलती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एकेडमी ज्वाइन करना है, खेलना है लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और उसके बाद आप उसका एक्सपीरियंस आप अपनी जॉब्स में शो कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड तरीका है वो है कि आप रेलवे एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो और बाद में उसके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में पार्ट लेते हो, अच्छा प्रदर्शन करते हो। और क्योंकि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, तो जब रेलवे को ये रिकॉग्नाइज करता है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हो, तो वो अपने जो उनकी स्पोर्ट्स टीम है, आगे चल के जो रेलवे की रणजी टीम है, उसमें आपको मौका देता है। तो उनके जो इंटर डिविजनल टूर्नामेंट्स होते हैं रेलवे के अंदर, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है और उसमें परफॉर्मेंस के बलबूते पे बाद में आपको वो आगे ले जाते हैं और आगे ले जाते एक दिन आप रणजी टीम से खेलते हो। और अगर आप रणजी टीम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जा सकते हो। तो ये दो तरीके हैं जिससे नॉर्मली प्लेयर्स रेलवे की टीम से खेलते हैं। ऐसा ही सर्विसेज के साथ होता है। सर्विसेज मीन्स जो आर्मी एंड डिफेंस की एक जो टीम खेलती है उसके साथ होता है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक माइंडसेट बनाने में कि आपको करना क्या है और रेलवे कैसे ज्वाइन करना है।